फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैक्ट एग्जिस्ट। हमारी पहली जो आज की न्यूज़ है वो भी स्पेस से रिलेटेड है। जैसा आपको पता है कि हमारा चैनल बहुत डेडिकेटेड है स्पेस से, टेक को और डिफेंस को लेके। न्यूज़ है कि जो चांद है हमारा, जो मून है, उस पर इतनी ऑक्सीजन पाई गई है कि जिसमें 10 बिलियन लोग रह सकते हैं 1,00,000 साल तक। इतनी ऑक्सीजन है उसके अंदर जितने सपोर्ट कर सकता है वो। है ना अमेजिंग न्यूज़। इन फ्यूचर वी और मे बी अवर चाइल्ड्स और देयर चाइल्ड्स कैन ट्रेवल टू मून, आई होप। दोस्तों, हमारी अगली न्यूज़ भी स्पेस से रिलेटेड ही है। और रिसर्चर्स ने, एस्ट्रोनॉमर्स ने पता लगाया है कि सूरज के अंदर, जो हमारा सूरज प्लैनेट है, इसके अंदर धरती के जितने आकार का एक होल है, जिसकी वजह से इन फ्यूचर 100, 200, 400 साल बाद मे बी एक सोलर स्टॉर्म आ सकता है धरती पर, जिससे हमारी ऑक्सीजन का जो हमारी ऑक्सीजन है यहाँ पर धरती पर, वो कोलैप्स कर सकती है, जिससे हमारे रेडिएशन फैल सकता है लोगों के अंदर। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड आई होप कि रिसर्चर्स जो है इसके बारे में ये पता लगाएं कि कैसे इसको बंद कर सकते हैं या किस तरीके से ये हमें सेफ रहे इससे। दोस्तों, हमारी अगली न्यूज़ जो है वो नासा से रिलेटेड है। नासा ने ब्लू और रेड जो स्टार्स हैं, जो फॉर्म्स हैं, उनको फाइंड किया है क्लाउड्स के अंदर। और वो क्लाउड्स की उन्होंने इमेज जो है फ्लो की है या लोगों को शेयर की है, और ये बहुत ही अमेजिंग इमेज लगती है देखने में। आई होप कि इससे फ्यूचर में हमारी धरती को कोई ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे और हम लोगों को कोई ज़्यादा तकलीफ ना आए इसकी वजह से। दोस्तों, हमारी अगली न्यूज़ आ रही है डिफेंस रिलेटेड कि INS विशाखापट्टनम अभी कुछ दिन पहले ही समुद्र में या इंडिया ने लॉन्च कर दिया है। और ये हमारा सेकेंड विमान वाहक पोत है या युद्ध पोत है, और इससे हमें चाइना से और पाकिस्तान से जो हम टक्कर लेंगे, लड़ाई करेंगे, उसमें हमें बहुत ज़्यादा एज हासिल होगा। खैर, पाकिस्तान तो किसी कंपेरिजन में ही नहीं है, बट चाइना को भी इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगी हमें, क्योंकि उनके पास छोटे जो युद्ध पोत हैं वो सिर्फ 3 ही हैं और हमारे पास भी 2 हो गए हैं। जबकि चाइना को अपनी लड़ाई जो है वो अमेरिका से भी करनी है और बहुत सारे पड़ोसों से करनी है, और हमें सिर्फ चाइना को कंटेन करना है। इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर एवरी इंडियन एंड आई थिंक वी आर प्राउड ऑफ इट। दोस्तों, हमारी अगली न्यूज़ भी डिफेंस सेक्टर से है इंडिया के। इंडियन गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने GSAT-7 नाम की सैटेलाइट को हरी झंडी दे दी है, या आप कह सकते हैं लॉन्च के लिए परमिशन दे दी है। जो ये स्पेशली डेडिकेटेड सैटेलाइट है फॉर IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स, जिससे जब कभी लड़ाई के हालात होंगे या उनको जब उनको नेविगेशन करनी होती है चारों तरफ अपने बॉर्डर्स के या और बाहर के एरियाज में, ये सैटेलाइट सिर्फ डेडिकेटेडली इसी के लिए काम करेगा। इसमें बहुत ही हैवी कैमराज हैं और बहुत ही हैवी इसका जो सिस्टम है उसको काम करता है, ताकि हमें कंटेनमेंट बहुत मिलता है और पावर मिलती है अटैक करने की भी और डिफेंस करने की भी। फ्रेंड्स, हमारी आखिरी न्यूज़ आ रही है आज की कि एप्पल को अंदर, या एप्पल जितने भी फोन बनाता है, आईफोन, उन सब के अंदर Type-C पोर्ट अब लाना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि यूरोप की गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास कर दिया है, यूरोपियन यूनियन ने, कि बिना Type-C पोर्ट सपोर्ट के कोई भी उनके यहाँ फ़ोन नहीं चलेगा अब। इसी वजह से जल्द एप्पल बहुत जल्दी Type-C चार्जर सपोर्ट करने वाला है अपने फ़ोन में। एंड इज़ अ रियली गुड न्यूज़ फॉर एवरी एप्पल और आईफोन यूज़र। इसके अलावा इस साथ में एक न्यूज़ और भी आईफोन की कि आईफोन ने जो 12 और 12 प्रो जो 2 फ़ोन थे उनके, उसके अंदर ऑडियो प्रॉब्लम बहुत सारी आ रही है बार बार, तो उन्होंने अभी ये प्रमोशन दिया है, ये कहा है कि अगर आपके 12 और आईफोन 12 और 12 प्रो के अंदर अगर ऑडियो की प्रॉब्लम अभी भी है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो उसे ठीक करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए बिल्कुल तैयार है, और आप जस्ट चाहें और वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसे 2 फ़ोन के लिए किया है, आईफोन 12 एंड 12 प्रो, ना प्रो मैक्स के लिए है ना मिनी के लिए है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग।